हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट पेपर तैयार कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। जैसे ये क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू पावर 17 एक्स प्लस 5 की पावर 24, देन एफ डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट एट एक्स बराबर 2, एफ हैज अ मैक्सिमम एट एक्स बराबर 2, एफ हैज अ मैक्सिमम एट मिनिमम था मैक्सिमम एट एक्स बराबर 2, एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स बराबर 2। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको देखें तो इसको एक रियल लाइन पे ग्राफ को पुट करते हैं। ग्राफ को पुट किया तो हमारे पास यहां से, अगर यहां पे एक तो पॉइंट है हमारे पास -5 एंड 2, यानी यहां से -5 आएगा जहां पे एफ एक्स 0 होगा, वो दो पॉइंट आएंगे हमारे पास। जब हम एफ एक्स को इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो यहां तो एक्स बराबर 2 पे 0 होगा या एक्स बराबर -5 पे 0 होगा। तो यहां से हमारे पास एफ एक्स बराबर 0 पे दो पॉइंट आ जाएंगे। अब ये हो गए हमारे पास दो पॉइंट। अब फ्रेंड्स, अगर एफ जो है लेस देन -5 है, सपोज ये लेस, ये है -6, ये एक्स जो है -6 पे अगर हम चेक करते हैं तो -6 पे आ जाएगा -1 और -1 की पावर 24, यानी कि पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे हमारे पास देखे तो -2 एंड -6 -8 उसकी पावर 17, यानी ऑड पावर, तो ऑड पावर नेगेटिव रहेगा, यानी ये पार्ट जो है हमारे पास नेगेटिव आएगा। ये हो गए हमारे पास। अब हम देखें 5 से और 2 के बीच में, सपोज 0 पे चेक करें, एक्स बराबर 0 इसके बीच में आ रहा है तो 0 पे चेक करें तो 0 पे ये हमारे पास -2 की पावर कुछ नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे 0 एंड 5 की पावर 24 यानी नेगेटिव नंबर। तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर हो गया। अब फिर से हम 2 से ऊपर देखें, 2 से ऊपर सपोज 3 पे चेक करें, तो 3 पे अगर चेक करें तो यहाँ पे 1 की पावर 17 एंड यहाँ पे हमारे पास 8 की पावर 24, यानी एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन अगर मैक्सिमम होता, सपोज यहाँ पे अगर मिनिमम होता तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर होता है और फिर वहां से यहाँ नेगेटिव नंबर होता है, वहां से और चेंज होने लगता। लेकिन यहां से हम देख रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहां से हम कह सकते हैं एफ जो है यहाँ पे ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, क्योंकि जो पॉइंट है वो नेगेटिव से चलता हुआ पॉजिटिव की तरफ सीधा जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम यहां से कह सकते हैं। और अगर मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए फ्रेंड्स हमें एफ डैश तो चेक करना होता, एफ डैश निकाल के तो उस पर हम वैल्यू चेक करते हैं कि उस पर पॉइंट लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है, उस पर अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया है, जो पॉइंट है ये ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। तो यहाँ से एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स बराबर 2। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।